आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के हरिओत कला केंद्र में बुधवार को दिन में 1 बजे भारत सरकार की एडीपीओ राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत सामाजिक अधिकारिता शिविर के दूसरे दिन पात्र बुजुर्ग लोगों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मौजूद रहे। शिविर में प्रत्येक पात्र बुजुर्ग को 5 सामान दिया गया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह केंद्र सरकार की बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आजमगढ़ में 43 लाख रुपए के सहायक उपकरण 958 लोगों को दिए जा चुके हैं। जिस प्रकार से दिव्यांग लोगों को मिलने वाले उपकरणों में दिव्यांग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लेकिन वायुश्री योजना में केवल बुजुर्ग होना ही पात्रता है और इसमें केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह उपकरण दिया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी को यह उपकरण बांटे जाएंगे। सांसद ने कहा कि उपकरण के वितरण को लेकर CRC गोरखपुर के साथ ही उनकी टीम लगातार काम कर रही है। सुनते हैं सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। गोरखपुर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से ये सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की वायुश्री योजना है, जिसके तहत जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए सहायक उपकरण वितरित करा जाता है। और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आजमगढ़ में जितने भी लाभार्थी हैं उनको ये उपकरण दिया जाए, क्योंकि इसमें एक खास सुविधा ये भी है, जैसे कि दिव्यांग लोगों का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, इसमें सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड के आधार पे ही उनको ये जो उपकरण है वो वितरित कर दिया जाता है। तो अभी 400 जो उपकरण है वो वितरित हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको जब पता चला तो उन्होंने अपना आधार कार्ड लाके जमा किया है। उन लोगों की पूरी सूची बना करके और जो हमारा मंत्रालय है उस मंत्रालय से बात करके और जल्दी से एक और बड़ा कैंप लगा करके जितने जो बचे लाभार्थी हैं उनको भी उपकरण दिया जाए, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। रुकने वाला नहीं है, हम लोगों ने पहले भी एक कैंप करके और वितरित किया था, आज फिर से ये कैंप लगा है। उसके अलावा आज बहुत सारे आवेदन और भी आ गए हैं, तो हम मंत्रालय से बात करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो उपकरण है वो मंगा के और कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को मिल जाए, कोई बाकी ना रहे। 5 लाख का लगभग 958 लोगों को वितरित किया गया है, पर अभी बहुत सारी संख्या आ रही है जिनको इसकी आवश्यकता है। तो चूंकि ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही लाभकारी योजना है और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं धरातल तक पहुंचे, इसके लिए हम सब लोग, हमारी पूरी टीम काम कर रही है और हमारी जो CRC टीम गोरखपुर है उनकी पहल के वजह से हम लोग उसमें ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। तो मेरी भी पूरी टीम लगी है और CRC गोरखपुर की टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा कैंप करके और जो बाकी बचे लोग हैं उनके भी हमको आधार कार्ड मिल गए हैं तो उनकी सूची बना करके उनको भी जल्दी ही वितरित करवाएंगे। कितने लोग विकलांग रजिस्ट्रेशन है सर, उसमें कितने एक संख्या है? संख्या तो बहुत है, क्योंकि अभी तो सिर्फ लगभग 1000 लोगों को हम दिए हैं और ये विकलांग नहीं है, ये 60 साल से ऊपर के लोग हैं। ये वायुश्री योजना है प्रधानमंत्री की, जिसमें जैसे जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग का तो सर्टिफिकेट बनता है तो उनको सुविधाएं मिलती है, पर ये दिव्यांग नहीं है, ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनको ट्राई साइकिल हो गया, घुटने का बेल्ट हो गया, कमर का बेल्ट हो गया, चश्मा हो गया, कान की मशीन हो गई, ये सब जो सहायक उपकरण हैं ये बिना किसी दिव्यांग सर्टिफिकेट के सिर्फ आधार कार्ड के आधार पे ही इनको वितरित किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है, CRC गोरखपुर की टीम का प्रयास है कि आजमगढ़ में जितने भी लोग हैं
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये उपकरण बांट सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का सराहनीय कार्य है कि ये बहुत ही अच्छी सोच है और उन्होंने जितनी भी योजनाएं लागू की है, हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व यही है कि वो सारी योजनाओं का लाभ हम अपनी जनता तक पहुंचा सकें, लाभार्थियों तक पहुंचा सकें, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का और जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं दोनों लोगों का यही दायित्व है कि वो लाभार्थियों तक सारी योजना का लाभ पहुँचा दें। और हम लोग उसमें अपनी टीम को लगा के गाँव-गाँव से लोगों को खोज रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के, और चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे वो विधवा पेंशन की योजना हो, चाहे वो वाइश्री की योजना हो, सारी योजना से उनको जो भी लाभार्थी हैं उनको जोड़ा जाए और उनको लाभ मिले, क्योंकि सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिलना निश्चित करना ही हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। कब तक ये कार्यक्रम कब तक चलेगा सर? हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।